हाईकोर्ट ने कोयला चोरी मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाईकोर्ट के फैसले को माता का आशीर्वाद बताया। सांसद ने कहा कि अवैध खनन में सैकड़ों मजदूरों की जान गई है। हेमंत सरकार के संरक्षण में एसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में धनबाद में लूट की आजादी थी। अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें भी षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था। अब सीबीआई की जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संजीव कुमार के बागमारा डीएसपी से एसपी तक के सफर में धनबाद में जमकर खनिज संपदाओं की लूट करवाई गई। कोर्ट के आदेश के बाद धनबाद की जनता में खुशी की लहर है। सभी भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय को हार्दिक दिल से स्वागत करते हुए मैं झारखंड की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। न्यायालय के सम्मान करता हूँ। तो न्यायालय का निर्णय जो आया है हमारे धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में जो अवैध माइनिंग के दौरान कोयला राष्ट्रीय संपत्ति का जो अपार भंडार का लूट हुआ है इसका सीबीआई जांच का जो निर्णय दिया जांच का इसका मैं पुनः स्वागत करते हुए मैं माँ जगजननी दुर्गा जी से यही प्रार्थना करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी अब तो होना ही तय हो चुका है और निश्चित तौर पर सत्य परेशान हो सकता है पराजित कभी नहीं हुआ है। और मैंने लगातार पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ ये शुद्ध रूप से आज मैं फिर बोल रहा हूँ दोहरा रहा हूँ ये शुद्ध रूप से वर्दी पहन के क्राइम किया है। एक क्रिमिनल से भी बड़ा एक क्रिमिनल है। एक क्रिमिनल तो मर्डर करता है जेल चला जाता है छूट के चलाता है मगर ये वर्दी पहन के क्राइम करना